हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए निकली सिविल जज इंट्री लेवल की वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, यहां पर अप्लाई करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सिर्फ लॉ डिग्री होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सभी स्टेट के लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि केवल छत्तीसगढ़ के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 48 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सिविल जज की वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो इसका नोटिफिकेशन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.psc.cg.gov.in, जो कि आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है, इस वेबसाइट को ओपन करना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिए गए एडवर्टीजमेंट ऑप्शन पर जाना है। तो इसमें आपको सबसे ऊपर जो है एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट फॉर सिविल जज 2022, और ये 8 दिसंबर 2022 को जारी हुआ है। और दोस्तों, इस यहीं से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इस पेज का जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि डायरेक्टली आप यहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें कि पोस्ट का नाम है व्यवहार न्यायाधीश प्रवेश स्तर। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 48 वैकेंसीज हैं। पे स्केल की अगर बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों 77,840 से लेकर के 136,520 का, जो कि अच्छा पे स्केल है। एज लिमिट की अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो 21 ईयर्स से लेकर के 35 ईयर्स इस एज ड्यूरेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज काउंट होगी 1/1/2023 से काउंट होगी। और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को ही एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो चाहे फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो। और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ना ही बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगा गया। मीन जो फ्रेशर्स हैं वो सभी अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें, तो 12 दिसंबर 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्री एग्जामिनेशन होना है उसकी एग्ज़ाम डेट है 26 फरवरी 2023। अप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें दोस्तों, तो जो छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग हैं तो उनके लिए 440 रुपये, मीन 400 रुपये फ़ीस है, प्लस 40 रुपये आपकी पोर्टल की फ़ीस है। तो 440 रुपये फ़ीस लगेगी। और जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग हैं तो उनके लिए केवल पोर्टल फ़ीस लगेगी 40 रुपये, मीन्स बाहर के लोगों के लिए 440 और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए केवल 40 रुपये। यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती, करेक्शन करना पड़ता है, तो करेक्शन फ़ीस इसकी है आपकी 500 रुपये, अलग से देनी होगी यदि करेक्शन करते हैं तो। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, करेक्शन के लिए भी यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। अब बात करें कि अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए, इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई हुई है। और अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, क्या सिलेबस है। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं इसी नोटिफिकेशन में जो पेज नंबर 5 है और 6, पेज नंबर 5 में आपको प्री एग्जामिनेशन का जो है सिलेबस है अपेंडिक्स ए, और देखिए यहाँ पर जो है अपेंडिक्स बी और सी। तो यहाँ पर दोनों सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे, तो नोटिफिकेशन से सिलेबस को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, देखिए प्री, मेंस और इंटरव्यू, 3 स्टेप में एग्ज़ाम होता है। तो प्री के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेंस, और मेंस के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू, और फाइनल जो मेरिट में आएंगे लोग उनको जॉब करने का चांस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।